हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास सेवन्थ का इंग्लिश का एनुअल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ 2024-25 का। इस वीडियो में मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस भी बताऊंगा और फाइनल टर्म का सिलेबस भी बताऊंगा। यहाँ पर जो हेडिंग लिखी है ना, वो एनुअल सिलेबस के हिसाब से लिखी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मिड टर्म फाइनल टर्म दोनों का सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें दोनों मेंशन किए गए हैं। देखिए, आपको मिड टर्म में ना एक पोएम करनी है द स्क्विरल, और यहाँ पर आप फोर्थ फिफ्थ देख रहे हो ना, तो आपको इन क्लासेस के ये टॉपिक भी करने हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है। हालांकि सातवीं क्लास में भी वो टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप सातवीं क्लास के टॉपिक को देख रहे हो तो आप उसे डिटेल में कीजिएगा, ताकि फोर्थ और फिफ्थ दोनों कवर हो जाए। और आपको वर्कशीट भी करनी है, अगर आप पहले से ही वर्कशीट कर लोगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और आपको क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके जितने भी टॉपिक लिखे हैं, आपको ये डिटेल में डीपली पढ़ना है। सुन रहे ना मेरी बात? जैसे क्लास सिक्स में यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ए एंड आपको कैसे यूज करना है वो बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्लास सेवन्थ में भी आप देखो यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे हैं, तो यहाँ पैराग्राफ में आएंगे, तो आप पैराग्राफ राइटिंग के रूप में उसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे, ठीक है। और जो भी वर्कशीट यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे वो आर्टिकल से रिलेटेड है, डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, आप उसे डिटेल में डीपली पढ़ेंगे। और ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स समझ गए ना, यहाँ पर ये बता रखा कि आपको इन क्लासेस के टॉपिक अच्छे से करने हैं, ठीक है। आपको पेरेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो, वर्कशीट जो दे रखी है वो, और जितना भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया आप अच्छे से कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो लेटर या पैराग्राफ वगैरह लिखे होते हैं ना, ये मत सोचना कि ये सेम डिट्टो एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ और भी आ सकता है, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो क्लास फिफ्थ में आपने डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स पढ़े होंगे, वो सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसको यूज करना है। और आपको इंग्लिश की बुक में लेसन नंबर वन करना है, थ्री क्वेश्चंस। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक लाइन पढ़िएगा, ठीक है, कि तीन क्वेश्चन कौन से थे, लोगों ने कौन कौन से तीन क्वेश्चन के क्या क्या आंसर दिए, राजा को तीन क्वेश्चन के आंसर कौन से मिले, जैसे पर सेटिस्फेक्शन उसे मिला, इस तरीके से। तो यहाँ पर वर्कशीट भी दे रखी है, ये वर्कशीट अच्छे से करना। डब्ल्यू फैमिली के रिलेटेड भी यहाँ पर वर्कशीट दे रखे, तो वो भी आप अच्छे से करना, ठीक है। और आप ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट टेंस, आप ना क्लास देख कर टॉपिक देख लो और टॉपिक को सर्च करके उसकी और डिटेल से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि मुडास के बारे में बता रखा है, तो मुडास भी आपको करने पड़ेंगे। आपको वर्ब करनी पड़ेगी, थ्री फॉर्म वर्ब जो होती है, आपको वर्ब सारी जो है करनी है ना, वो तो करनी है, लेकिन वर्कशीट की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। पैराग्राफ राइटिंग, जैसे यहाँ ताजमहल लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, अब ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी करना। जैसे आपको डिस्क्राइब करने के लिए पैराग्राफ दे सकते हैं, तो जैसे गार्डन को डिस्क्राइब करो, अपने स्कूल को डिस्क्राइब करो, इस तरीके से। और आपको यहाँ पर पैसिव फॉर्म वर्ब भी दे रखी है, तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। पैराग्राफ लिखा है माई फेवरेट पर्सन, और यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क्राइब योर फेवरेट कॉर्नर इन द हाउस या स्कूल, घर या स्कूल में जो आपका फेवरेट कॉर्नर है उसके बारे में लिखिए। स्टोरी राइटिंग भी आपके एग्जाम में आएगी, तो आपको बना बना के स्टोरी राइटिंग में लिखनी होगी, आपको हिंट दी होगी, उसको यूज करके आपको स्टोरी बनानी है। तो मिड टर्म में तो आपको इतने सिलेबस आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं 13 सितंबर तक आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, फिर आपके फाइनल टर्म के एग्जाम की तैयारी आपको करनी है यहाँ पर। तो फाइनल टर्म में तो आपको मिड टर्म का भी आएगा, और बाकी वैसा भी आपको करना होगा। तो लेसन नंबर तीन आपको करना है, और यहाँ पर जितनी भी सारी ग्रामर लिखी हुई है सारी अच्छे से करनी है, और देख लो क्या क्या किस फॉर्म में आएंगे क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग में, ठीक है। लेटर वगैरह आपको अच्छे से करना है, लेटर का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों दे रखे हैं, एक तो चेंजेस सेक्शन दे रखा है, दूसरा आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी पे, एक और दे रखा है यहाँ पर लेटर कि अपने छोटे भाई को जो है ना
गुड मैनर के बारे में बताओ कि एक अच्छी मैनर किसे कहते हैं, एक अच्छा बिहेव किसे कहते हैं। आपको पहला नंबर यहाँ पे 3 करनी है और यहाँ पर जितनी देखो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा आ रही है और राइटिंग स्किल आपकी ज़्यादा आ रही है। डिग्रीज के बारे में बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। वर्कशीट जो भी लिखी हुई है मेंशन वो आपको अच्छे से करनी है। आपको पोएम नंबर जो है 5 यहाँ पे ट्रीज दे रहे हैं वो भी आपको करनी है, वर्कशीट उससे रिलेटेड करनी है। देखो अगर मैं उस पर सर्कल मार के नहीं दिखा रहा तो ये नहीं कि वो करनी नहीं है, सारी करनी। जो जो आपको एक तो इस कॉलम को देखना है, इस कॉलम को देखना और इस कॉलम को देखना, इस तीनों कॉलम की चीज़ों को अच्छे से करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी दे रखे वो भी आपको करनी है, टीवी की वर्कशीट, ये सारे के सारे टॉपिक जो इसमें मेंशन किए गए हैं सब करने हैं, ठीक है। एंड एलियन हैंड ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, ये केवल रीडिंग करनी है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों का सिलेबस बता दिया। फाइनल टर्म में मिड टर्म का भी आएगा, बाकी वैसा भी आपको करना होगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।